अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ दिन टाइम से, और यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ खाना। और आज मैं बना रही हूँ पोटैटो। भाई ने कहा था कि फ्राई पोटैटो बना लें, तो हम यहाँ पर पोटैटो बनाने लगे हैं। ये मैंने कट कर लिया। अब हम चलते हैं किचन में और जल्दी से पकाने की तैयारी करते हैं। यहाँ पर मैंने ऑयल ऐड किया है 3 स्पून, ये वाला पकाने वाला जो चम्मच होता है ये वाला। और इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो साल्ट की ऐड की है, और 1 टीस्पून जो है मैंने सुर्ख मिर्च ऐड की है। और इसमें हम सिंपली इसमें पोटैटो डाल देंगे, इसे हमने फ्राई करना है ठीक है। और इसको इसमें से मिक्स कर लेंगे अच्छे से ठीक है। रेसिपी बहुत ही सिंपल है। हमने सिंपल पोटैटो जो है वो कट किए। मैंने 5 से 6 अदद पोटैटो लिए, उनको मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिए आप जैसे कि देख रहे हैं। और इसमें 3 स्पून जो है ये खाना बनाने वाले चम्मच, ये वाले मैंने ऑयल के ऐड कर लिए, और 1 टेबल स्पून साल्ट ऐड कर लिया, और 1 टेबल स्पून जो है सुख मिर्च मैंने ऐड कर ली। अगर आप लोग और मसाला ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, लेकिन इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है ठीक है। तो अब हम इसको आँच थोड़ी सी तेज़ करेंगे और हम जो है ना इसको फ्राई देख सकते हैं। ये पोटैटो जो है फ्राई हो रहे हैं और ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे। फिर उसके बाद ही हम जो है कुछ नेक्स्ट स्टेप करेंगे। इस वक्त की प्यारी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से, और ये जब बनते हैं तो बहुत मज़े देते हैं ठीक है। ये पोटैटो हमने फ्राई करने हैं, और हम जो है ना दरमियानी से आंच करेंगे और इसको हम ढक देंगे ताकि पोटैटो फ्राई होने के साथ साथ हमारे जो है ना वो गल भी जाएँ, सही से पक जाएँ ठीक है। चलें जी, हम वेट करते हैं कुछ देर जितना हमारे पोटैटो फ्राई भी हो जाएंगे और ये पक भी जाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने पोटैटो अच्छे से फ्राई कर लिया। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी, और इसे हम रख देंगे ढक कर कुछ देर के लिए। साथ में हमारे पोटैटो फिर भन भी जाएंगे ठीक है। और साथ में हम और काम भी देख लेते हैं, और पोटैटो को हम ढक के रख देते हैं। आँच हम हल्की कर देंगे या दरमियाने से कर देंगे ताकि जो है हमारे पोटैटो गल भी जाएं और जले नहीं ठीक है, इस तरह से। और जी, तो अपने कमरे में आ चुके हैं। ये हमारा मेकअप बॉक्स, और इसके हालात कुछ इस वक्त इस तरह से हैं। बहुत बुरे हालात हुए, तो मैं इसको जल्दी से सेट करूँगी, अच्छे तरीके से रखूँगी। और अगर आप लोग मेरी मेकअप कलेक्शन देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये प्यारा सा बॉक्स जो है ये मेरे भाई ने बनाया है, और इसकी वीडियो भी अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे बताइएगा, मैं जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप लोग जाके देख सकते हैं। बहुत आसानी से ये बॉक्स बन जाता है और बहुत प्यारा लगता है, उसमें आप कोई भी चीज़ डाल सकते हैं इसीलिए ठीक है। तो यहाँ पर मेकअप बॉक्स मैंने अपना सेट कर लिया है ठीक है, और बस अब जल्दी से सेट कर लिया मैंने इसको। हर चीज़ जो है ना वो अपनी जगह पर और अच्छे तरीके से पड़ी हो तो बंदा सुकून में भी रहता है, और ज़्यादा सलीका तरीका भी नज़र आता है ठीक है। तो ये हमने रख ली हैं सारी चीज़ें जी। तो अब पूरी तरह हमारा बॉक्स जो है वो रेडी हो चुका है, अब हम इसको रख देते हैं सलीके तरीके के साथ जी। तो कबर्ड की मैं सफाई करी थी तो ये पंख निकले हैं, ये जो बच्चों के लगाने वाले होते हैं। इसमें एक हेयर बैंड है, और ये चिड़ी है यानी कि जो परियों की होती है जैसे ड्रामा वगैरह में आप लोगों ने देखा होगा टीवी में ठीक है। और ये पंख हैं, ये मेरी भांजी के हैं, आप ही की बेटी के हैं मेरी ठीक है। तो उसने यहाँ रखे थे, तो ये आज मैं कबर्ड साफ़ करी थी तो ये भी निकल आए, पैक हो गए इसी तरह पड़े हुए। और ये ड्रेसेस मेरे, ये कुछ सिले हुए हैं, ये अनसिला ड्रेस है, और ये कुछ इस तरह से भी हमारे रूम के हालात हैं। इनको हम जल्दी से सेट करते हैं, और कबर्ड भी हम जल्दी से सेट कर रहे हैं। और साथ में ये लैशेस, ये भी पड़ी हुई थी तो ये भी निकल आई, और साथ में इसके लिए दिखा ये ठीक है। तो आई लैशेस जिससे अटैच होती हैं ये भी पड़ी हुई थी, और साथ में जो है फिर ये मेरा ज्वेलरी बॉक्स, तो ये भी निकल आया। इसमें बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई थी, कुछ समझ नहीं आ रही थी ना, जब बंदी को ज़रूरत पड़ती है फिर मिलती नहीं है, इसलिए मैंने कहा ज़रा मैं ठिकाने पर इनको सही करके रखूँ, और ज़रा अच्छे तरीके से कबर सेट हो जाए, ज़रा मुझे सुकून भी आ जाएगा, और चीज़ें भी हमें मिल जाएंगी जो हमारी गुमी भी होती हैं या जो हमने रखी होती हैं भूल जाते हैं ना हम अक्सर ही, तो वो भी निकल आएंगी ठीक है। तो ये सारी चीज़ें निकल आई हैं, ये अच्छा ही हो गया ठीक है। और ये परफ्यूम भी पड़ी हुई थी एक इधर ही, तो ये भी निकल आई है। तो अब हम इनको संभालते हैं सारी चीज़ों को ठीक है। ये जल्दी से जो मैंने बनाया है ना हालात रूम के, इससे पहले कि कोई आए और देखे ये क्या हालात बनाए हैं मैंने, मैं जल्दी से इसको सेट करके मिलती हूँ आप लोगों से ठीक है। मेरे साथ साथ रहिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर मेरे जो है वो कबर्ड रेडी हो चुकी है, मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ। तो सबसे पहले 3 हैंगर जो हैं इनमें मैंने हैंग किए अपने स्टालर, देख सकते हैं आप ठीक है, ये, फिर इसके बाद ये, और फिर 3rd हैंगर में ये ठीक है। ये मैंने स्टालर हैंग कर लिए हैं। उसके बाद मैंने बाबा का कोट हैंग किया क्योंकि उनकी कबर्ड में बिल्कुल भी जगह नहीं है। साथ ही मैंने अपनी स्वेटर जो है वो हैंग कर ली है, देख सकते हैं आप, मेरी स्वेटर हैंग की है मैंने। फिर उसके बाद जो है मैंने बाबा की जैकेट हैंग की है, फिर मैंने अपना ड्रेस हैंग किया है ये वाला ठीक है, फैंसी ड्रेस है मेरा। उसके बाद मैंने ब्रदर की जो है वो जैकेट हैंग की है, और फिर ये कुछ ड्रेसेस थे भाइयों के ये मैंने हैंग किए हैं, साथ में मैंने ये ड्रेस हैंग किया है अपना, और ये वाला ड्रेस हैंग कर लिया मैंने अपनी ठीक है। तो उस तरह से मैंने कबर्ड जो है अपनी सेट कर ली है, और जो है फर्शेज वो इस तरह से मैंने साइड पर रख दी है ठीक है। और इस तरह से हमारी कबर्ड जो है वो रेडी हो चुकी है, कितनी प्यारी लग रही है ना, सुलझी सुलझी हुई।
तो इस तरह से आप लोग भी हर चीज़ को अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखा करें ताकि बाद में कोई टेंशन भी ना हो और चीज़ जो है ना वो तरीके के साथ सलीके के साथ पड़ी हुई अच्छी भी लगती है और इंसान भी सुकून में रहता है, ज़रा इत्मीनान रहता है बंदे को। तो इस तरह से आप लोग भी जो है हर चीज़ को तरीके से लेके के साथ रखा करें ताकि आप लोग खुद भी मुतमइन रहें और जो है साथ में चीज़ें पड़ी हुई भी अच्छी लगें। ये वाला ड्रेस जो है इसको मैं बार बार देखी जा रही हूँ, ठीक है, ये बहुत खूबसूरत सा ड्रेस है, तो ये मैं आप लोगों को दिखाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है। तो हम चलते हैं किचन की तरफ और हम देखते हैं कि हमारी पोटैटो रेडी हुए हैं या नहीं, फ्राई पोटैटो जो हम बना रहे थे। तो यहाँ मैं किचन में आई हूँ तो हमारे फ्राई पोटैटो रेडी हो चुके हैं, ये देख लीजिए इसकी फाइनल लुक है, माशाल्लाह बहुत मज़े के बने हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार होते हैं, आप लोग भी ट्राई करें, बहुत आसानी से बन जाते हैं। जब आप लोगों को कुछ समझ ना आ रहा हो ना कि आज क्या बनाना है तो आप पोटैटो बना लें। आज मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रही थी तो भाई ने कहा कि पोटैटो ही बना लें, तो मैंने यहाँ फ्राई पोटैटो बना लिया। अगर आप लोगों को भी कुछ समझ ना आ रहा ना तो ये बना लें, आसान सी रेसिपी है, बिल्कुल आसानी से बन भी जाते हैं और जो है ना मज़ेदार भी बहुत होते हैं, तो आप लोग भी ट्राई करें। तो ये बहुत खूबसूरत सी बनी है, मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ इसकी फाइनल लुक, और ये जिस तरह से देखने में प्यारी लग रही है उस तरह खाने में भी बहुत मज़े हैं, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।